ये भाई और बहन की कहानी अब तुम्हें सुनानी। मैक्स और रूबी। दोस्तों आज लिखेंगे कविता करके शब्दों का राइम मैक्स और रूबी के साथ इस कहानी में। पता है हम क्या हैं करने वाले? हाँ? ओह, मैंने तो गोरिल्ला गू में है पैर डाले। तुमने सुना मैंने क्या कहा? मैंने राइम बनाई। मैंने कहा तुम्हें पता है हम क्या हैं करने वाले? और फिर मैंने कहा मैंने तो गोरिल्ला गू में है पैर डाले। राइम तब बनती है जब दो वर्ड्स एक जैसे सुनाई पड़ते हैं, यानी वाले और डाले। कुछ समझे? जब तुम एक कहानी बनाते हो जिसमें शब्द राइम करते हो तो उसे कविता कहते हैं। और आज हम पोएम यानी कि कविता लिखने वाले हैं। मेरी बनी स्काउट पोएट्री कॉन्टेस्ट के लिए मुझे एक पोएम लिखनी है मेरी फेवरेट चीजों के बारे में। और मेरी सारी फेवरेट चीजें बाहर ही है, इसलिए हम जाएंगे एक नेचर वॉक पर। महान पोएट ज्यादा अच्छी तरह से सोच सकते हैं जब वो अच्छा स्नैक्स खाएं। स्नैक्स? हम उन्हें बाद में खाएंगे जब हमें भूख लगेगी। तुम अपने कुछ खिलौने क्यों नहीं साथ ले लेते मैक्स? एक कवि को कुदरत की कोई भी चीज प्रेरणा दे सकती है, जैसे कि ये। मैं अपनी पोएम की शुरुआत करूंगी इन गुलाबों से। ये जगह अच्छी है। ओ, पर वहाँ कैसा रहेगा? वैसे इस तरफ भी बहुत सुंदर है। नहीं, मुझे ये जगह ज्यादा पसंद है। हाँ, ये जगह परफेक्ट है। स्नैक्स? स्नैक्स बाद में खाने हैं मैक्स। अब सोचती हूँ कि मेरी पोएम की शुरुआत कैसी होनी चाहिए। ओह, मेरा फेवरेट फूल है लाल लाल गुलाब। परफेक्ट। अब मुझे एक और लाइन ऐसी सोचनी होगी जिसका अंत हो गुलाब से मिलते जुलते शब्द से। मैक्स, तुम क्या कर रहे हो? मैक्स के स्नैक्स। तुम कितने फनी हो, स्नैक्स को मेरे सामने से लेकर जा रहे हो जनाब। जनाब, ये तो गुलाब से मिलता जुलता शब्द है। मेरा फेवरेट फूल है लाल लाल गुलाब। इसकी खुशबू है बहुत ही सुंदर जनाब। तुमने सुना मैक्स? मैंने कविता की पहली दो लाइंस लिख ली। इस मेपल के पेड़ को तो देखो मैक्स, कितना सुंदर है ना? मुझे लगता है मेरी पोएम की अगली लाइंस इस मेपल के पेड़ के बारे में होनी चाहिए। स्नैक्स बाद के लिए है। तुम अपने खिलौनों के साथ खेलो जब तक मैं अपनी कविता पूरी नहीं कर लेती। अब मेपल ट्री के बारे में क्या लिखूं? आहा, मेपल का पेड़ जाता ऊपर ही ऊपर। अब ऊपर के साथ क्या मिलता जुलता है मैक्स? क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो मैक्स? स्नैक्स मैक्स के।
क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मेरा बैकपैक लेते समय मेरी नजर से बच जाओगे? सच में मेरी नजर से? नजर? ये मिलता है ऊपर से। मेपल का पेड़ जाता ऊपर ही ऊपर, जहाँ तक पहुँच नहीं पाती मेरी नजर। मैंने पोएम की अगली दो लाइंस पे लिख ली। नदी कितनी सुंदर दिख रही है। यहाँ पर ऐसा कुछ तो होगा जिसके बारे में मैं लिख सकूं। तितलियाँ, मुझे तितलियाँ बहुत पसंद हैं। मैं इनके बारे में लिखती हूँ मेरी कविता में। हाँ? शायद तुम्हें तुम्हारे खिलौनों के साथ थोड़े दूर जाकर खेलना चाहिए। हम थोड़ी ही देर में स्नैक्स खाएंगे, पर तब तक मुझे अपने पोएम पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। धन्यवाद मैक्स। मुझे पसंद है रंग बिरंगी तितली। अब तितली के साथ क्या राइम करेगा? नहीं, ये ठीक नहीं है। मिटा देती हूँ। इरेजर कहाँ है? ये बैकपैक आकाश में मतवाला बन के क्यों उड़ रहा है? सरा एक मिनट, मतवाली राइम करेगा तितली के साथ। मुझे पसंद है रंग बिरंगी तितली जो उड़ती है फूलों में बनकर मतवाली। परफेक्ट। चलो मैक्स, मुझे अब बस एक और राइम चाहिए मेरी कविता के लिए। स्नैक्स? हाँ मैक्स, आखिरकार स्नैक्स का वक्त हो गया और मुझे मेरी आखिरी राइम भी मिल गई। धन्यवाद मैक्स। और अब बारी है बनी स्काउट रूबी की। मेरा फेवरेट फूल है लाल लाल गुलाब, इसकी खुशबू है बहुत ही सुंदर जनाब। मेपल का पेड़ जाता ऊपर ही ऊपर, जहाँ तक पहुँच नहीं पाती मेरी नजर। मुझे पसंद है रंग बिरंगी तितली जो फूलों में उड़ती है बनकर मतवाली। मेरा फेवरेट खाना है स्नैक्स, पर मुझसे ज्यादा उन्हें पसंद करता है मैक्स। रूबी ने शुरू की है एक लाइब्रेरी जिसमें है किताबें कई तरह की। इन किताबों को पढ़ने की शर्त है बस एक लाइब्रेरी कार्ड। देखिए मैक्स का लाइब्रेरी कार्ड में। Our rhymes. Don't forget to subscribe to us today.